ओम शांति। आज 21 नवंबर 2017 बाप दादा के साकार रूप के चले हुए मधुर महावाक्य, जिनका श्रवण हमने आज अपनी क्लास में किया है, आइए उस पर अब हम मनन और चिंतन करेंगे। मीठे बाबा ने आज इस सृष्टि नाटक को खेल के रूप से कहा है। बाबा कहते हैं कि कई प्रकार के उतार चढ़ाव, कई प्रकार की बातें इस चक्र में हमको देखने में आती हैं, लेकिन यदि हम इसको खेल समझ करके देखेंगे, साखी होकर के देखेंगे, हर एक पार्टधारी का अपना अपना पार्ट है जिसको हम बदल नहीं सकते, उस भावना से देखेंगे तो ये खेल बहुत प्यारा लगेगा। यही बात सार रूप में लिख करके आई है कि मीठे बच्चे, ये अनादि खेल बना हुआ है, इसमें हर एक पार्टधारी का पार्ट अपना अपना है, एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिल सकता, ये भी कुदरत है। जब भी कोई खेल खेला जाता है तो खेल का अर्थ ही होता है खुशी की प्राप्ति के लिए। खेल के अंदर उतार चढ़ाव तो आता ही है, वरना खेल का मज़ा ही क्या है। उसमें हार और जीत भी होती है, उसमें अनेक प्रकार के एक्टर होते हैं, भिन्न प्रकार के एडवर्सरी होते हैं, अदरवाइज तो खेल का मज़ा ही नहीं आएगा। अगर खेल में हार और जीत का स्टेक ही ना हो तो कौन खेलेगा। इसलिए बाबा ने हमें बताया है कि वास्तव में हम एक्टर हैं। ये सृष्टि नाटक एक खेल है। अनादि इसलिए कहा कि एक्टर भी अनादि हैं, आत्माएं जो हूबहू एक साइकिल पूरा होने के बाद 4 युगों का 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता रहता है। तो इसमें बाबा ने ये कहा कि इसमें हर एक्टर का अपना अलग अलग पार्ट है, इसको कुदरत कहा जाता है। उसका प्रमाण यह है कि आप देखेंगे कि जितने भी मनुष्य हैं, किसी के भी अंगूठे के जो निशान हैं एक दूसरे से नहीं मिलते। आबादी बढ़ती जा रही है, आज कितनी आबादी है, लेकिन फिर भी एक के निशान दूसरे से नहीं मिलते। ना सिर्फ इतना, पिछले जन्म में एक ही आत्मा के अंगूठे के निशान भी उससे अगले जन्म में नहीं मिलते। इसको कुदरत नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। बहुत सारी चीज़ों को हमें कुदरत ही कहना पड़ता है। जैसे आँख देखती है, अब उस वही आत्मा शरीर में ऐसी आँख उत्पन्न होती है जो सब कुछ देखती है, कितनी डेलिकेट चीज़ है। और वही कान जो है वो सुनता है, मुख जो है उसका स्वाद लेता है, ये भी तो एक कुदरत ही है ना। मनुष्यों के बनाए हुए कितने भी अच्छे कैमरा हों, लेकिन आँखों जैसा कैमरा तो नहीं हो सकता ना, जो उस चीज़ को हर उसी रूप में एग्जैक्टली उसी तरह से देखती है। इसलिए बाबा ने कहा कि इसको खेल समझो, और खेल में हर एक का अपना अपना पार्ट है ये भी समझो, तो फिर क्या होगा, आप अच्छे बुरे ऊंच नीच में नहीं जाएंगे और खेल का आनंद लेंगे। फिर आज एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बाबा ने उजागर की है कि भक्ति मार्ग में गंगा जल का इतना महत्व क्यों है, इतना मान क्यों देते हैं, इतनी प्रीत उसके साथ क्यों है, हर शुभ कार्य में गंगा जल का उपयोग होता है। तो बाबा ने ऑब्वियसली इसका आंसर यही बताया है कि ज्ञान सागर से जो ज्ञान मिलता है, वास्तव में प्रीत ज्ञान से है, और ज्ञान को अमृत भी कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं कि जिन बच्चों की प्रीत ज्ञान से होती है वे ज्ञान गंगा बन जाते हैं, और ज्ञान गंगाएं आत्माएं जो हैं वो औरों का उद्धार करती हैं, इसलिए गंगा जल का इतना महत्व है। यूं कहेंगे कि वास्तव में तो परमात्मा ने जो ज्ञान का अमृत मनुष्य आत्माओं को पिलाया था, और वो माताओं शक्तियों के द्वारा, चैतन्य माताओं शक्तियों के द्वारा, जिसको ब्रह्मा कुमारी भी कहते हैं, उनके द्वारा पिला करके आत्माओं की ज्ञान की प्यास बुझाई थी। इसलिए कई जगह आप देखेंगे गाय का मुख बना के उसमें से अमृत जो पानी निकलता है उसको अमृत कहा जाता है। तो गाय माताओं की प्रतीक है, वो असली था ज्ञान अमृत। लेकिन भक्ति मार्ग में हर बात की प्रथा चलाने के लिए उसके यादगार बनाए जाते हैं। तो उन्होंने चैतन्य ज्ञान गंगाओं की जगह गंगा नदी बना दी।
और गंगा नदी को भी कहते हैं शिव से निकली थी। वास्तव में शिव परमात्मा ही ज्ञान के सागर हैं, शिव को उन्होंने शंकर से मिक्स कर दिया और फिर उस गंगा के पानी को ही उसी श्रद्धा भाव से वो उसमें शरीर को स्नान कराते हैं। तो बाबा कहते हैं, ये भी कहते हैं जो वैष्णव लोग होते हैं हर काम में गंगा जल यूज़ करते हैं, मृत्यु के समय भी कहते हैं कि मुख में गंगा जल हो, प्राण निकलें तो मनुष्य की गति हो जाती है। तो ये सारा एक यादगार है, वास्तव में उसका कोई देखा जाए तो आत्मा के ऊपर कोई असर नहीं है। फिर गीत आज बजा है, तकदीर जगा कर आई हूँ। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा, देखो ये है ज्ञान मार्ग जिससे तुम्हारी सदगति होती है और स्वर्ग का राजभाग तुमको मिलता है। इसको पाठशाला कहो, कॉलेज कहो, यूनिवर्सिटी कहो, एक ही बात है। और बाबा कहते हैं कि वंडरफुल बात यह है कि ये तुम्हारी गुप्त पढ़ाई है। गुप्त क्यों है? क्योंकि बेहद का बाप निराकार और तुम आत्माएं जो पढ़ने वाली हो, तुम भी निराकार। तुम बच्चे ये पढ़ते हो तो बाबा कहते हैं कि ये सिद्ध करता है कि श्री कृष्ण, अगर श्री कृष्ण पढ़ाते, भगवान होते, तो तुम्हारा बुद्धि उनके चित्र की तरफ जाता। लेकिन निराकार बाप पढ़ाते हैं और निराकार बाप अपने से योग लगवाते हैं। यानी बाबा ने ये बताया है कि ये शरीरों की पढ़ाई नहीं है, शरीरों के बारे में नहीं है, ये आत्माओं की पढ़ाई है। तो आत्माओं के सुप्रीम टीचर या सतगुरु परम आत्मा हैं, वो पढ़ाते हैं। तो परम आत्मा भी निराकार हैं, तो पढ़ने वाली भी आत्माएं निराकार हैं, पढ़ती तो साकार शरीर के माध्यम से हैं। फिर इसकी जो पढ़ाई का जो कोर्स है वो भी आप देखेंगे, तीनों लोकों के बारे में है, साकार लोक, आकार लोक, निराकार आत्माओं का लोक, परलोक। फिर तीनों कालों के बारे में है, कैसे सृष्टि सतयुग से त्रेता में आती है, फिर द्वापर में आती है, फिर कलयुग में आती है, कलयुग के बाद पुनः सतयुग में आती है। ये सारा जो ज्ञान भी गुप्त है, इसकी प्राप्ति भी गुप्त है। बाबा कहते हैं जैसे उन्होंने कह दिया भगवानो वाच श्रीमत, श्री कृष्ण ने दी, तो अगर श्री कृष्ण ने दी तो श्री कृष्ण का तो साकार रूप है, दिखने में उनकी मूर्ति आती है, उनका चित्र आता है, तो तुम्हारा ध्यान श्री कृष्ण के तरफ जाएगा। तो ये ज्ञान साकार है ही नहीं, लौकिक है ही नहीं, शारीरिक है ही नहीं, ये तो अलौकिक है। इसलिए बाबा समझा रहे हैं ये गीता का ज्ञान दाता निराकार मैं परमात्मा हूँ, इसीलिए मैं मुझे गुप्त होने के कारण मनुष्य पहचानते नहीं। गीता में साफ साफ लिखा हुआ है कि मुझे साधारण तन में का आधार लेने वाले परमात्मा को मूढ़मति मनुष्य अपने जैसा समझते हैं। आज भी अगर श्री कृष्ण आ जाए दुनिया में, अब तो धर्म गुलानी तो कौन उसको नहीं पहचानेगा, कौन उसको अपोजिशन करेगा। इसलिए बाबा कहते हैं ये गलती करने के कारण जिसने भी भगवद गीता लिखी है, लिखा भगवानों वाच है, लिखा श्रीमत है, लेकिन नाम श्री कृष्ण का डाल दिया है, तो उससे लोग किसको याद करें, किससे योग लगाएं। तो अंत में बाबा ने कहा है मैं आकर अपने साथ तुम्हारा योग लगवाता हूँ। बाबा ने कहा, इससे मिलती जुलती बात जो कि आपने स्पष्ट की है, कि जिस्मानी याद सहज है, रूहानी याद में मेहनत है। तब बच्चे बाबा से पूछते हैं, बाबा कैसे याद करें? इसीलिए ये रूहानी याद को पकड़ नहीं पाए योग को, अर्थात परमात्मा ने तो साफ कहा है कि मैं परमात्मा जो हूँ जैसा हूँ उस रूप में मुझे जानकर, स्वयं को आत्मा समझकर मुझे याद करोगे, तो वो याद या बुद्धि योग जो है जिसको मन मना भाव भी तुम्हें पिछले जन्मों के पापों को मुक्त करेगा। अब आप देखिए वो तो भगवान ने स्पष्ट शब्दों में उसको ना जानने के कारण अनेक प्रकार के योगों का गीता में वर्णन है। गीता के लेखक ने हर उसका अध्याय किसी न किसी योग के नाम पर रख दिया है, और उसमें कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, संन्यास योग, सांख्य योग, विषाद योग आदि आदि। अब इससे तो लोग और भी कंफ्यूज हो गए हैं, इसीलिए भगवान कहते हैं जो मैं योग सिखाता हूँ वो प्राय लुप्त हो जाता है, और बाद में जब उसकी फिर आवश्यकता पड़ती है, मनुष्य पतित बन जाते हैं, तो भगवान ने चौथे चैप्टर में साफ लिखा हुआ है
कि मैं ये बहुत काल से प्राय लुप्त जो योग है वो तुम्हें आके फिर से सिखा रहा बाबा हूँ। बहुत रमणीक रूप से आगे इसी पॉइंट को बढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं, हे ज्ञान गंगाएं, हाँ तुम अगर अपने को ज्ञान गंगा समझती हो तो ज्ञान सागर को याद करो। बाबा कहते हैं, बनारस में शिव काशी विश्वनाथ गंगा ऐसे बोलते हैं, समझते हैं कि विश्वनाथ ने गंगा लाई। अब बाबा कहते हो, पानी की गंगा की बात नहीं है, ये तो ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाओं की बात है। और बाबा ने कहा कि ज्ञान गंगाओं को ज्ञान सागर की याद स्वतः और स्वाभाविक रूप में रहनी चाहिए। क्योंकि जैसे हम देखते हैं परमात्मा ने जो दिव्य कर्तव्य किया ज्ञान अमृत देने का, ज्ञान गंगाओं चैतन्य ब्रह्मा कुमारियों के थ्रू प्रजापिता ब्रह्मा के मुख अरविंद से, कहते हैं ना ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ उत्पन्न हुई। गीता में भी कहा गया कि कल्प के आदि में ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों सहित यज्ञ रचा जिससे देवता उत्पन्न हुए। ये सारी बात जो है उसमें तो भक्ति में तो उसका यादगार है, जैसे नदियाँ पानी की बना दी, इसी प्रकार से एक स्थान है जिसका नाम है बनारस या जिसको काशी कहते हैं और उसको शिव काशी कहते हैं कि वहाँ पर जाके कोई शरीर त्यागता है, भक्ति में ऐसा कह देते हैं, उसकी मुक्ति हो जाती है। कई लोग बूढ़े होकर काशीवास भी करते रहे हैं कि हमारी यहाँ छोड़ने से मुक्ति हो जाएगी। वहाँ पर कहा जाता है शिव काशी और विश्वनाथ गंगा, ये शिव यानी का यहाँ पर निवास है और विश्वनाथ गंगा का असली मतलब ये है कि शिव परमात्मा जो ज्ञान अमृत देते हैं उससे मनुष्य आत्मा विश्व का नाथ अर्थात श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा सज्जू का विश्व महाराजा महारानी बन सकता है। तो उन्होंने शब्द तो यूज़ कर लिए हैं शिव काशी विश्वनाथ गंगा, लेकिन रिवर्स में कर दी है, ज्ञान अमृत से विश्वनाथ बनते हैं या विश्वनाथ ने वे गंगा लाई और शिव का उससे क्या कनेक्शन है, क्योंकि शिव तो स्वर्ग में वास करते नहीं, शिव हैं त्रिलोकी नाथ और श्री लक्ष्मी नारायण है विश्वनाथ या जगन्नाथ। फिर उन्होंने जगन्नाथ का एक और मंदिर पुरी में बनाया हुआ, तो बाबा कहते हैं उन्होंने स्थान तो बना दिए हैं लेकिन वो रिचुअलिस्टिक हैं, स्मारक मात्र हैं, उसमें कोई ज्ञान ध्यान नहीं है, भक्ति का बहुत विस्तार है सार नहीं है। विश्वनाथ वहाँ पर तो शिव को कहते हैं बनारस मतलब में, वही गलती करते हैं ना कि जब शिव विश्व में बिल्कुल आता ही बनते ही नहीं, नहीं। हाँ विश्व में राज नहीं करता, ना इसके सुख में आता है ना उसके दुख। विश्व तो इसी दुनिया को कहा जाता है ना, यूनिवर्स को तो ब्रह्मांड कहा जाता है, तो गलत कर रहे हैं ना। बाबा कहते हैं, मुझे आकर के तुम्हें ज्ञान अमृत देना है। फिर कोई अंचली लेते, कोई लोटा भरते। वैष्णव जो होते हैं उनकी गंगा जल से प्रीत होती है, वो हमेशा गंगा जल काम में लाते हैं। तुम्हारी इस ज्ञान से प्रीत है, इस ज्ञान से तुम सदगति पाते हो। तब शिव बाबा कहते हैं, मैं तुमको कहता हूँ, मुझे याद करो। क्योंकि गंगाएं जो हैं चेतन गंगाएं, देखा जाए ज्ञान गंगाएं, उनको ज्ञान कहाँ से मिला, ब्रह्मा कुमारियों को ज्ञान कहाँ से मिला, ब्रह्मा बाबा के थ्रू मिला, ब्रह्मा बाबा ने तो नहीं दिया, सरस्वती को जो सबसे ऊंची ब्रह्मा कुमारी जिसको जगदम्बा कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों की हेड, उसको ज्ञान कहाँ से मिला, उसको तो ज्ञान की देवी कहते हैं, तो ज़रूर ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा ने दिया। तो ज्ञान सागर परमात्मा ही चेतन ज्ञान गंगाओं के द्वारा ज्ञान अमृत पिलाने का सोर्स है, तो सागर का ज्ञान सागर का ज्ञान गंगाओं से गहरा कनेक्शन है, क्योंकि ज्ञान गंगा ज्ञान सागर से ही निकली हैं और दुनिया के अंदर नेचर में भी उसका ही यादगार है कि जो दुनिया का समंदर है या सागर है उसी से नदियाँ निकलती हैं। आप देखेंगे कि वहाँ से जल एवेपोरेट होता है बादलों के द्वारा नदियों में आता है और वापस वो नदियाँ वहीं जाके मिलती हैं, उसको पतित पावनी कहा जाता है। तो बाबा कहता है कि तुम्हारा तो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ये पूरा ज्ञान है, तुम्हारा तो सागर से गहरा योग स्वाभाविक ही रहना चाहिए हर समय, क्योंकि तुम्हारा सोर्स ऑफ सप्लाई जो है
ईश्वरी ज्ञान का वो परमात्मा है, तो कनेक्शन होगा तो सप्लाई आएगी। इसलिए बाबा ने कहा कोई लोटा भरता है, कोई बाल्टी भरता है ना, तो नदियाँ भी हैं, तालाब भी हैं, कुएँ भी हैं, टुबके भी हैं, तो सागर से निकले हुए हैं। बाबा कहते किसको स्वप्न में भी नहीं आ सकता कि हमको परमात्मा से वर्षा भी मिलता है। बाबा कहते हैं आत्मा बिंदी मिसल अति सूक्ष्म से सूक्ष्म है, ब्रकुटी के बीच निवास करती है, छोटी सी आत्मा है, वही सब कुछ करती है। आत्मा नहीं होती तो ये कर्मेंद्रियाँ भी चल नहीं सकती हैं, और एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, अपना पार्ट बजाती है। दुनिया के अंदर जो वर्षा कहते हैं वो लोग, जैसे संसारिक पिता है अपने बच्चों के लिए ज़मीन जायदाद धन दौलत जेवर छोड़ जाता है, उसको वो वर्षा गिनते हैं क्योंकि वो सुख के साधन हैं। अच्छा, बाबा कहता है कि मैं, मेरा वर्षा शारीरिक नहीं है, धन दौलत जेवर नहीं है। लोग, भगत लोग भी जब भगवान से मांगते हैं तो क्या मांगते हैं, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे सद्बुद्धि दो, ताकि मेरी सद्बुद्धि से आप ही मेरे पास ये वैभव इत्यादि आ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं क्योंकि मेरी पढ़ाई जो है वो स्पिरिचुअल है, निराकार है, निराकार आत्मा पढ़ती है, तो टीचर के रूप में वो पढ़ाई है आत्मा को प्योर करने की, और बाप के रूप में मेरा इनहेरिटेंस भी तो निराकार ही है ना। तो परमात्मा हमें टीचर के रूप में पवित्रता का और बाप के रूप में सुख शांति का वर्षा देते हैं। वो आत्मा को ही अनुभव हो सकता है ना सुख शांति। तो सबसे बड़ा वर्षा क्या हुआ, संसारिक वर्षा भी तो हम सुख शांति के लिए लेने की कोशिश करते हैं ना। ये बाबा, बाबा कहते हैं कि ये बात भी तुम बच्चों को ही पता है कि हमने 5000 साल पहले वर्षा लिया था और अब हम पुनः ले रहे हैं। ये भी बाबा ने हमें बताया। हाँ, 2500 वर्ष हमने भक्ति की और अब पुनः हम ले रहे हैं। और फिर एक वंडरफुल बात ये भी है कि हम जो नंबर वन पूज्य बनते हैं, हम ही नंबर वन पुजारी भी बनते हैं। क्योंकि जो सबसे पहले पूज्य बनेगा, जब पुजारी बनने का समय आएगा तो सबसे पहले वही पुजारी बनेगा, क्योंकि वो तो सतयुग से नीचे आ रहा है। बाद में जो आत्माएं आती हैं वो तो अगले नंबरों में बनेगी ना। बाबा ने कहा कि ड्रामा को भी तुम बच्चों को अप्रोप्रिएटली समझना है। अब मानो कोई का शरीर छूट जाता है, बच्चे का शरीर छूट जाता है, तो बाबा कहते हैं ये समझना चाहिए कि हमारा कर्मों का हिसाब किताब इतना ही था, जो कि क्लियर हुआ वो आया, बच्चा बना, अपना लिया और वो चला गया। तो बाबा कहते हैं इसमें अफसोस व रोने की बात नहीं, साक्षी होकर के खेल देखो। ये लोग क्योंकि ड्रामा के ज्ञान को नहीं जानते, देह अभिमानी हैं, आत्मा एक्टर है, आत्मा ही शरीर लेती और छोड़ती है, इस ज्ञान को नहीं जानते, इसलिए वो शरीर छोड़ने के ऊपर रोते हैं, पीटते हैं, अफसोस करते हैं। तो ड्रामा को सही जानेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे कि शरीर परिवर्तन आत्मा का स्वभाव है। बाबा कहते हैं कि मैं हूँ परम धाम का रहने वाला, मुझे याद करते हैं, सभी धर्म वाले याद करते हैं, भक्त भगवान को किस ना किस रूप से याद करते हैं, ओ गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा, लेकिन उनको जानते नहीं हैं। इतना ज़रूर समझते हैं कि वो ऊपर रहता है, लेकिन हम कैसे वहाँ जाएं, उनको हम कैसे मिलें, ये विधि नहीं पता। नेचुरली, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है। इतना ज़रूर समझ है कि कोई क्रिएटर है, परम पिता परमात्मा है, जो हम आत्माओं का पिता है, और जो दुख, हमारे दुख जिसने कभी ना कभी हरे हैं, अंदर से उनको संस्कार रहता है। बाबा सर्वशक्तिमान क्रिएटर हैं, अपने इस ड्रामा के डायरेक्टर, प्रोड्यूस, सब कुछ। जब बाबा ये कहते हैं कि मैं करण करावन हार हूँ, लेकिन मैं भी ड्रामा के वश में हूँ, तो कई ब्राह्मणों को ये बात पूरी समझ में नहीं आती, बाबा मालिक है, तो फिर वो ये क्यों कहता है कि मैं ड्रामा के वश में। क्योंकि सारी दुनिया और ब्राह्मण भी उस दुनिया में ही हैं, तो वो ये मानती आई है कि सर्वशक्ति का मान का अर्थ है वो कुछ भी कर सकता है, तभी वो सर्वशक्तिवान है। मुर्दे को जिंदा कर सकता है, बीमार को ठीक कर सकता है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है।
भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि जो विधाता है, विधि का विधाता है, वो विधि के अनुसार चलेगा, विधि को तोड़ेगा। बिल्कुल दोपहर के 12 बजे परमात्मा रात कर दे तो परमात्मा सर्वशक्तिवान है, और अगर वो ना करे तो सर्वशक्तिवान नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि मैं दुनिया के अंदर कुछ नियम से हो चलती है ना, किसी की मृत्यु आती तो वो शरीर छोड़ता है। अब मैं उस नियम को तोड़कर मुर्दे को जिंदा करना शुरू कर दूं तो ये कोई सर्वशक्ति नहीं है, ये तो रिद्धि सिद्धि वाले इस प्रकार की हरकतें करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बंधन में बंधना अर्थात मैं तुम बच्चों को भी मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता हूँ, मर्यादा को नहीं तोड़ना है, तो मैं स्वयं जो मर्यादाओं को सेट करने वाला हूँ मैं उनको कैसे तोड़ूँगा। परमात्मा सर्वशक्तिवान इस रूप में है कि अन्य सर्व जो कार्य नहीं कर सकते वो परमात्मा कर सकता है। पतितों को पावन कोई नहीं बना सकता, बाबा कहते मैं वो बनाता हूँ, इसलिए मैं सर्व से शक्तिवान हूँ। परमात्मा भी क्यों कहा जाता है, सर्व आत्माओं में मैं परम हूँ। आत्मा में महात्मा है, देव आत्मा है, पुण्य आत्मा है, उनसे भी ऊंचा मैं परमात्मा हूँ। गीता में क्या कहा होगा कि मैं ऊंचे से ऊंचा हूँ, पिताओं का पिता हूँ, गुरुओं का गुरु हूँ, देवों का देव हूँ। यहाँ तक कह दिया कि पहाड़ों में मैं हिमालय पहाड़ हूँ, हाथियों में मैं रावत। आइडिया ये है कि ऊंचे से ऊंचा हूँ, तो इसका इसलिए वो सर्वशक्तिवान है ना। ऐसे थोड़ी है कि ऊंचे में और नीचे में सब में मैं ही हूँ, लोग इस तरह भी समझ लेते हैं। सर्वशक्तिवान है तो पत्ते को भी वो हिला रहा है। अब सोचिए कि जब कहते हैं पाप आत्मा पतित आत्मा, तो पतित परमात्मा थोड़ी कहते हैं। बाबा ने ये कहा है कि मैं अशरीरी हूँ, और लोग शिव के ऊपर लोटी चढ़ाते हैं, स्नान कराते हैं। बाबा कहते हैं मुझे स्नान आदि तो नहीं कराना है, क्योंकि मेरी कोई कर्मेंद्रियाँ ऐसी नहीं है जो कि दूषित हो रही हैं। शिव को कपड़ा आदि पहना कर श्रृंगारते हैं क्या? नहीं। कृष्ण को लक्ष्मी नारायण आदि को कितना श्रृंगार, निराकार का क्या श्रृंगार करेंगे? फिर बाबा कहते हैं तुम कभी सोचते हो कि निराकार शिव की पूजा क्यों करते थे? ज़रूर मैंने कुछ किया है, करके गया हूँ, तब तो मेरी पूजा करते हैं। मैं तुमको आकर स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं, तुमको छोड़ना नहीं है, सिर्फ तुमको दो काम करने हैं। अंतिम जन्म में पवित्र बनना है, मुझे याद करना है। तुम्हारी आत्मा कंचन होगी और लोहे से सोना पारसनाथ में बनाता हूँ, इसलिए तुम मुझे याद करते हो। अब बाबा कहते हैं सोचो कि अन्य जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं वो शरीरधारियों की बनी हुई, देवियों की, देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म है तो भी उनकी शारीरिक आकृति है, आकारी रूप तो है, लेकिन ये कौन सी प्रतिमा है जिसका ना कोई शरीर है, ना हाथ है, ना पैर है, ना कोई शारीरिक रूप है, ना कोई सूक्ष्म स्वरूप है, उसकी भी तुम पूजा कर रहे हो? तो ज़रूर तुमको तो पता नहीं है, कह दिया शिव है, और शिव परमात्मा है नमः भी कह दिया, फिर शिव के ऊपर भी लोटी चढ़ा रहे हो, शिव को पानी से स्नान करा रहे हो। बाबा कहते हैं जो शरीरधारी है उनके शरीर का स्नान होता है, उनको फिर कपड़े भी पहनाए जाते हैं, ना उनकी आँखें भी होती हैं। बाबा कहते हैं शिव तो निराकार है, तो तुम पूजते आए हो तो ज़रूर मैंने कुछ किया होगा जो मेरे मंदिर बनाए हैं, लेकिन वो ज्ञान तुम्हें मैं स्वयं ही आके देता हूँ कि मैं परम आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ। उस ज्योति स्वरूप का जो चिन्ह है उन्होंने शिवलिंग के रूप में बना लिया। वास्तव में भारत के जो 12 प्रसिद्ध शिव मंदिर है उनका नाम ही है ज्योतिर्लिंग मठ। तो ज्योति के स्वरूप की ये प्रतिमा है, कहीं इसको काले पत्थर का बनाते हैं, कहीं इसको सफ़ेद पत्थर का बनाते हैं, अमरनाथ में बर्फ का बनाते हैं, अर्थात लिंग स्वरूप के भिन्न भिन्न प्रतिमाएं बनाते हैं। वरदान है आज की मुरली में मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति द्वारा सर्व हलचलों को मर्ज करने वाली अचल अडोल भाव। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहे और उसका हर कर्म में नशा हो तो सर्व हलचलें मर्ज हो जाएंगी और आप सदा अचल अडोल रहेंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति सदा इमर्ज है तो कोई भी कमजोरी हलचल में ला नहीं सकती।
क्योंकि वे हर शक्ति को समय पर कार्य में लगा सकते हैं, उनके पास कंट्रोलिंग पावर रहती है, इसलिए संकल्प और कर्म दोनों समान होते हैं। तो बाबा कहते हैं ये याद रखो कि हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं, उससे सर्वशक्तियाँ धारण कर रहे हैं, तो हलचल का सवाल ही नहीं है। स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों में घबराने के बजाय उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बना लो। ये हमारा काम है, परिस्थितियाँ आती हैं हमें और ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए। ये थी मीठे बाबा की आज की मुरली। मुरली में बाबा ने ज्ञान के विभिन्न राज स्पष्ट करते हुए सारे ड्रामा के विस्तार को समझाया है कि ये कैसे अनादि है, बना बनाया है, बाबा का क्या पार्ट है, हम आत्माओं का क्या पार्ट है, और ड्रामा को साखी होकर के देखना भी है और साखी होकर के प्ले भी करना है। यही होमवर्क आज हम अपने लिए लेंगे। आज के दिन, कल तक के मुरली मंथन तक, ड्रामा के पार्ट को हम बार बार अप्लाई करेंगे। ड्रामा है, ड्रामा है, और तब हम देखें हमारी अवस्था कितनी अच्छी रहती है। ओम शांति।